24 घंटा लाइव हमेशा से ही तत्पर रहा है अपने क्षेत्र के दर्शकों के लिए कुछ नया करने की। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम आ रहे हैं लेकर आपके बीच बिहार एक्सप्रेस। बिहार एक्सप्रेस के प्रायोजक है केसरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हर प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक व घरेलू वस्तुओं का विशाल भंडार है केसरी इलेक्ट्रॉनिक्स, घोषपाड़ा रोड, गौरीपुर, नहट्टी। ঘোষপাড়া রোডের উপর অবস্থিত এই কেশরী লাইট হাউসে আপনি একদম সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন সমস্ত রকম ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন ও অ্যাকসেসরিজ। তো আইয়ে দেখতে হ্যায় আজকে লিয়ে কিয়া বিশেষ লেকার আয়া হ্যায় আজ কা বিহার এক্সপ্রেস। ভাগলপুর কহলগাঁও বিজলিঘর एनटीपीसी लिमिटेड के कोयला लदे रैक के चार वैगन पटरी से उतरे। सोमवार के अगले सुबह लगभग 4 बजे कहलगांव बिजलीघर का कोयला लेकर आ रहे कोयला रैक के चार वैगन महिषा मुंडा गांव के पास पटरी पर से उतर गए। घटना सुबह लगभग 4 बजे की है। आश्चर्यजनक यह है कि रैक की पटरी से उतरे चारों वैगन रैक के साथ खींचते हुए बिजलीघर में प्रवेश कर गए, जिससे सैकड़ों की संख्या में स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए। हाल के दिनों में लगातार हो रही बारिश से महिषा मुंडा गांव के निकट रेल पटरियां जलमग्न हो गई थी। सिवान में भुट्टो ने तेजस्वी को बताया संवेदनहीन। शहाबुद्दीन की पत्नी बेटे को राज्य छोड़ने की दे सलाह। दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के इंतकाल को कुछ ही दिनों में 2 महीने हो जाएंगे। पूर्व सांसद के इंतकाल की सूचना पर देश के कोने कोने से लोग उनके स्वजनों से मिलने पहुंचे, लेकिन राजद के छोटे सुप्रीमो कहे जाने वाले तेजस्वी यादव की संवेदनाएं अभी तक नहीं जागी। ये बातें राष्ट्रवादी समाजवादी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के प्रति प्रेम जाहिर किया। दिवंगत सांसद की पत्नी और बेटे को राज्य छोड़ने की सलाह दे डाली। भागलपुर में दिव्यांग पिकअप चालक की गोली मारकर हत्या, 6 घंटे तक लड़ता रहा जिंदगी से जंग। जिले के सबौर में अपराधियों ने पिकअप वैन चालक को गोलियों से भून दिया। बीते सोमवार की रात 12 बजे के आसपास सबौर में हुई इस वारदात के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल है। दूसरी तरफ पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी जहां फरार हो निकले, वही ऐसा कहा जा रहा है कि मृतक पिकअप वैन चालक 6 घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन पुलिस प्रशासन नदारद रहा। नौकरी का विज्ञापन देकर गुंडे भर्ती कर रहे अपराधी, वेतन 12,000। बिहार के युवक को पहला टास्क मिला लूट का। अब अपराधी फेसबुक व इंटरनेट पर विज्ञापन देकर गुंडों की भर्ती कर रहे हैं। गढ़वा पुलिस ने सोमवार को एक ऐसे ही मामले का पर्दाफाश किया है। नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से अपराध कराने वाले सरगना सहित 4 अपराधियों को गढ़वा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 बिहार राज्य के निवासी है। गिरोह का सरगना गढ़वा के केतार थाना क्षेत्र के बांसटी गाँव का रहने वाला दीपक कुमार पासवान है, जो पहले से ही कई मामलों में वांछित रहा है। पटना की लड़की के मेडी रोबोट का कमाल, अब बिना डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी के पास गए होगा कोरोना का इलाज। कोरोना वायरस संक्रमण से बड़ी संख्या में डॉक्टरों की मौत हो रही है, लेकिन अब डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मी मरीज के पास गए बगैर उसकी जांच कर इलाज कर सकेंगे। इसमें सहायक बनेगा मेडी रोबोट, जिसे बनाया है पटना के योगेश कुमार और उनकी बेटी आकांक्षा ने। यह रोबोट मरीज के पास पहुँचे बिना ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट, ECG आदि कई तरह की जांच कर रिपोर्ट डॉक्टर को भेज देता है। पटना के कई बड़े अस्पतालों में यह रोबोट सफलतापूर्वक मरीजों की देखभाल कर रहा है। बिहार में लॉकडाउन के साथ बढ़ा ऑटो का किराया, जाने अब कितना देना होगा पैसा। परिवहन विभाग ने करीब 8 साल बाद ऑटो टेम्पो के किराए में वृद्धि की है। विभाग ने पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों का हवाला देते हुए गाड़ियों की श्रेणियों के अनुसार किराया तय किया और स्पष्ट किया है कि इससे अधिक किराया लेने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ऑटो संघ इन 8 वर्षों में कई बार अपने स्तर से ही किराया बढ़ा चुका है। ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष राजकुमार झा का कहना है कि विभाग के स्तर से जो दर तय की गई है वह नाकाफी है, इससे ऑटो चालकों को नुकसान ही होगा। নৈহাটির গৌরীপুর চৌমাথা আলোকিত করছে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় সম্ভারের সেরা প্রতিষ্ঠান কেশরী লাইট হাউস। ঘোষপাড়া রোডের উপর অবস্থিত এই কেশরী লাইট হাউসে আপনি একদম সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন সমস্ত রকম ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন ও অ্যাক্সেসরিজ, হোম এবং কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস যেমন ইলেকট্রনিক রাইস কুকার, জগ, আয়রন, ওয়াটার পিউরিফাই, জুসার, মিক্সার, গ্যাস ওভেন, চিমনি, বিভিন্ন কোম্পানির এলইডি টিভি, এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিনের সেরা সম্ভার এক ছাদের নিচে। এখানে কেনাকাটা করলে থাকছে অরিজিনাল প্রোডাক্টের গ্যারান্টি, উচিত মূল্য, ডিসকাউন্ট ও অফার, সমস্ত রকম কিস্তির সুবিধে, সর্বোপরি শোরুমে এবং বাড়িতেও গিয়ে সার্ভিসিং এর সুবিধে। তাই আজ আমরা চলে এসেছি নৈহাটির গৌরীপুর চৌমাথাতে ঘোষপাড়া রোডের উপর অবস্থিত কেশরী লাইট হাউসে।